गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी भारत के नंबर वन चैनल पर, जिसमें मैं हूं आपके सामने अंकित कुमार अवस्थी। जैसा मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं जनरल साइंस, दैट इज सामान्य विज्ञान। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों से कहा था कि, और आपको थंबनेल में भी स्पष्ट रूप से मैंने लिख करके दिया है कि अब जनरल साइंस पढ़ना नहीं है, समझना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित कुमार अवस्थी आपके लिए ये सेशन प्रारंभ करने जा रहा हूं। और इस सेशन में खास क्या है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बताऊं तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेशन से पता हो जानी चाहिए कि आप लोग यहां से आगे इस सेशन को जिस भी एग्जाम में यूज करना चाहें, फिर चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, जहां पर पूछा जाता है आप लोगों से जनरल साइंस, फिर चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, साइंस तो साइंस ही है ना जी, तो उस साइंस को जो साइंस माना गया है उसी को लेकर के मैं आप सभी के सामने ये सेशन प्रारंभ कर रहा हूं। इस सेशन में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की हम डिटेल व्याख्या करेंगे। साथियों, डिटेलिंग देते समय संभव है कि कभी थोड़ा समय कम पड़ जाए, यदि कोई सवाल बच जाएगा तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आज कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। और जब आप सीख जाएं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, और वाकई में अच्छा लग जाए तो अपने साथियों को भी बता देना कि अच्छा सेशन है, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो जर्नल साइंस किसी भी पेपर की क्यों ना हो, अंकित अवस्थी आपके सामने आ चुका है और हम इसे बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। साथियों, आज का मैं टाइटल लेके आया हूं पदार्थ की अवस्था, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। हम जानते हैं साथियों, पदार्थ की अवस्था से संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उनके विस्तार से अध्ययन के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साथियों, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आज का, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का मतलब हो गया दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है। साथियों, तो आपको एक चीज अपने आप ये पता चल जानी चाहिए कि पदार्थ की इससे पहले तीन अवस्थाएं तो ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। तो जो तीन अवस्थाएं ऑलरेडी हैं उनमें से ठोस अवस्था को आप जानते हैं, तरल अवस्था को आप जानते हैं और तीसरी अवस्था को गैस अवस्था के रूप में जानते हैं। साथियों, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। साथियों, पदार्थ की ये चौथी अवस्था जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, इसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है। साथियों, इसके अतिरिक्त पदार्थ की एक और अवस्था जिसे पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान उसके बारे में भी ले लीजिए, उसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस प्रकार से पदार्थ की कुल पांच अवस्थाएं होती हैं। मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में इसे भी कवर करूंगा, वर्तमान में प्लाज्मा समझ लेते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ठोस के बारे में ज्ञान ऑलरेडी है और उसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, मैं कुछ शब्दों में आपको बयां करूं तो साथियों, ठोस के केस में कहते हैं कि ठोस का आकार और आयतन फिक्स होता है, आकार और आयतन ये फिक्स रहता है। इन केस ऑफ सॉलिड, अगर हम बात करते हैं लिक्विड, दैट इज द्रव, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर आकार अनियमित होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है, आकार फिक्स नहीं होता लेकिन ये आयतन फिक्स होता है। और अगर हम बात करते हैं गैसियस अवस्था की तो मेरे प्यारे साथियों, ना तो यहां आकार फिक्स होता है ना यहां आयतन फिक्स होता है। तो ये तो तीन अवस्था हो गई पदार्थ की। जब हम साथियों बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था की, तो साथियों प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है तो समझिएगा ध्यान से। साथियों, जब हम गैसियस अवस्था में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित रहते हैं। अगर पदार्थ के कण एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित रहते हैं तो तापक्रम के प्रभाव से पदार्थ में से, अगर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है, परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु के केंद्र में साथियों नाभिक होता है और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। अगर हम इसकी बात ढंग से करें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां पर पदार्थ से जब गैसियस अवस्था को टेम्परेचर दे दिया जाए, यानी कि गर्म कर दिया जाए, तो यहां पर से प्लस चार्ज पदार्थ का अलग और माइनस चार्ज पदार्थ का अलग रहने लग जाता है।
यानी कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें कि पदार्थ में उपस्थित परमाणु अपने आयनिक अवस्था में रहना शुरू कर दे। आयनिक अवस्था से मतलब समझ में आ गया, आयनिक अवस्था का मतलब है धनायन और ऋणायन अलग अलग रहना प्रारंभ कर दे, तो उसी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये चार अवस्थाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप अपने मित्रों से ज्यादा संख्या में शेयर करते जाइएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मेरी सुबह भी एक क्लास आती है जो कि वाईफाई स्टडी 2.0 पर है, और वो करंट ओरिएंटेड क्लास है। करंट अफेयर्स को अगर आपको केवल पढ़ना नहीं है, समझना है कि करंट अफेयर्स के साथ क्या क्या जीके का स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए, तो आइएगा सुबह 7 बजे, वाईफाई स्टडी 2.0 पर भी आप लोगों के लिए मेरी क्लास उपलब्ध रहेगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बना है हमारा, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर। अब सवाल बनता है कि सर ये घनत्व क्या होता है? ऑन हीटिंग द फ्लूइड डेंसिटी, जो तरल लिक्विड स्टेट है उसकी डेंसिटी को क्या होता है? तो ध्यान से समझते हैं पहले कि घनत्व क्या होता है, यानी कि डेंसिटी क्या होती है। साथियों, किसी भी पदार्थ की डेंसिटी उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होती है। किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें तो जब घनत्व की बात की जाए तो घनत्व वास्तविकता में द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। तो साथियों, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात में अगर हम बात करें कि तरल पदार्थ को, यानी कि पदार्थ की दूसरी अवस्था जिसे हम लिक्विड स्टेट कहते हैं, अगर हम इसे गर्म करें तो क्या होगा? साथियों, इसका घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम क्यों हो जाएगा? चलिए कॉमन सेंस लगाते हैं। साथियों, इस फॉर्मूले में एक बार के लिए दिमाग लगाएं और समझें कि मान लीजिएगा कि पहले आयतन, कोई भी अमाउंट पकड़ लीजिएगा, मान लीजिएगा कि लीटर क्यूब में 10 लीटर क्यूब था, तो अगर मैं यह कहूं कि आपने गर्म किया तो पदार्थ में उपस्थित जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगे। जब दूर होने लगे तो जो 10 लीटर क्यूब जो स्थान उन्होंने घेरा हुआ था वो स्थान स्वतः ही बढ़ने लगा। जब स्वतः ही बढ़ने लगा तो आयतन, यानी कि जो आवश्यक स्थान उन्होंने घेरा था, वो बढ़ने लगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस फॉर्मूले में द्रव्यमान अपॉन आयतन में आयतन की वैल्यू बढ़ी, द्रव्यमान वही रहा, तो स्वाभाविक है कि घनत्व घट गया। जिन्हें यह बात अच्छे से समझ में आई, बहुत बढ़िया। जिन्हें नहीं समझ में आई, ऐसे समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा पहले द्रव्यमान था 10 और आयतन था 100। एक बार के लिए हमने एक बार वैसे ही डिजिट्स ले ली। साथियों, अगर ऐसी स्थिति को हम काउंट करें तो ये निकल के आया घनत्व 0.1। मैं सरल रूप से समझा रहा हूं, लेकिन अगर साथियों यहां से हम बात करते हुए निकल जाएं और पता लगाएं कि ये आयतन बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो ये 10 था द्रव्यमान और ये बढ़कर के हो गया 1000। साथियों, यूनिट घनत्व के आयतन की जब भी हम बात करते हैं तो यूनिट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैं मान लीजिए कि आपको लीटर में बात कर रहा हूं तो लीटर क्यूब की बात हो जाएगी, लेकिन मैं केवल सरल रूप से यह समझा रहा हूं कि गर्म करने पर अगर आयतन बढ़ा है तो अल्टीमेटली कि यहां पर आने वाली वैल्यू स्वतः ही कम हो जाएगी। तो यह बनकर के कितनी आ गई? 0.01। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे अगर कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कम हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि गर्म करने पर घनत्व कम हो जाता है। साथियों, अगर समझ में आ रहा है तो आप अपनी तरफ से एक बार थम्स अप कर दें और लाइक का जो बटन है उसे अवश्य दबाएं। यकीन मानिए साथियों कि आपको शायद, क्योंकि आप इस मेन चैनल पर हैं और पहली बार आप लोग मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं इस चैनल पर, तो हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको कुछ दिन नया लगे, लेकिन यकीन मानिएगा कि इस नएपन में बहुत कुछ छिपा है। आप पढ़िए और पढ़ करके देखिए कि आपके साइंस का लेवल कहां पहुंचता है, यकीनन आपका स्तर बढ़ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है साथियों आप लोगों के लिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़े, साथियों गर्मी के समय में, अभी थोड़े दिन पहले गर्मियां निकली ही हैं, सर्दियों का शुभारंभ हो चुका है और संभव है कि आप इस समय मुझे बैठकर के भी बिस्तरों में ही सुन रहे हों। तो साथियों, इस समय की अगर हम बात करें, कुछ समय पूर्व की अगर बात करें, तो आप देखिएगा कि फ्रिज में से जब हम लोग बर्फ के टुकड़े निकालते थे, जो हमारी आइस क्यूब टेबल होती थी उसमें से हम जब वो आइस क्यूब के अंदर से बाहर निकाल आइस क्यूब्स को बाहर निकालते थे और उन्हें कस के जब चिपकाते थे, तो वो ऐसा लगता था कि
वो चिपक गए। तो सवाल बना कि ऐसा क्या होता है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में जब दबाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। तो साथियों, इसका कारण है कि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है। दोबारा से समझिएगा, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने जब दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाया तो यहां पर इसका प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो गलनांक घट गया। अब ये गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में अगर हम ठोस से द्रव में जाते हैं तो इसे हम गलनांक कहते हैं, यानी कि वो तापक्रम जिससे कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो वो गलनांक कहलाता है। अगर हम बात करते हैं यहां से आगे भाप बनने की, तो द्रव जाकर के आगे वाष्प में कन्वर्टेड हो जाता है। तो साथियों, सभी चीजों में अवस्था परिवर्तन इन्वॉल्व है। साथियों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दाब अगर अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। यह आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी तरह से गलनांक क्या है और जो फैक्ट्स हैं वो आपको क्या पता होने चाहिए, एक बार चल के देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन है, पदार्थ का द्रव से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? देखिए साथियों, ये अवस्था परिवर्तन से संबंधित सवाल है। कोई पदार्थ है जिसमें कि स्टेट अभी गैसियस है और वो गैसियस स्टेट द्रव अवस्था में बदल रही है, तो गैसियस स्टेट से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो आप लोगों के सामने आंसर है, संघनन कहलाता है। देखिए साथियों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से आपके सामने आ गए। अगर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट से सवाल आए हैं तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होती है और इसमें एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं आप लोगों के सामने एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, इस फ्लो चार्ट को बड़ा अच्छे से देखिएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं चलिए ठोस से। साथियों, ठोस को अगर हम गर्म करते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया था, तो ठोस गर्म होकर परिवर्तित हो जाता है द्रव में, और जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो साथियों ये परिवर्तित हो जाता है गैस में, और साथियों जब गैस को और गर्म करते हैं तो ये परिवर्तित हो जाती है प्लाज्मा में। ठीक है सर, ये तो हो गई पदार्थ की चार अवस्था जिनमें केवल आपने ऊर्जा बढ़ाई है, आपने ऊर्जा बढ़ाई और ये पदार्थ की अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन प्रारंभ हो गया। चलिए जो हमें जानने लायक बातें हैं वो भी जान लेते हैं। साथियों, जब ठोस से द्रव में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी कि जिस तापक्रम पर ठोस द्रव में बदलता है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक आप इसे कहते हैं। लेकिन साथियों, ठीक इसी प्रकार से जिस तापक्रम पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिएगा साथियों, इसे हम कहते हैं हिमीकरण बिंदु, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार अगला पॉइंट सुनिएगा, जब द्रव गैस में बदले साथियों तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण, इसे कहते हैं वाष्पीकरण, दैट इज वेपोराइजेशन। अच्छा, और ठीक इसी प्रकार से जब गैस द्रव में बदले तो साथियों इसे कहते हैं संघनन। यही तो हमारा सवाल है, संघनन की इंग्लिश हमने आपके सामने लिखी हुई है, कंडेंसेशन। और अगर हम वाष्पीकरण की बात करें तो ये रहा इवोपरेशन, आपके सामने है, ये कंडेंसेशन आपके सामने है। ठीक है साथियों, और जब हम बात करें गैस से प्लाज्मा कैसे बना होगा, तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रोसेस को कहते हैं आयनीकरण, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि किसी भी तरह से गैस के अणुओं से प्लस और माइनस अलग कर दीजिए तो उसे आयनीकरण कहते हैं, और अगर प्लाज्मा गैस में परिवर्तित हो जाए तो इसे हम कहते हैं वी आयनीकरण। साथियों, जो मैंने आप लोगों के लिए ये फ्लो चार्ट बनाया है इसे अवश्य याद कर लीजिएगा, आयनाइजेशन और डीआयनाइजेशन, आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर हम लोगों ने लिखे हैं, आपके लिए ये अवश्य उपयोगी होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, आयनाइजेशन कहलाता है। ठीक है साथियों, अब एक जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो क्या है? साथियों, अगर कोई ठोस पदार्थ किसी तापक्रम पर सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाए, दोबारा से समझिएगा, अगर कोई ठोस पदार्थ सीधा ही परिवर्तित गैस में हो जाए किसी तापक्रम पर, तो साथियों इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन।
सबलीमेशन, सबलीमेशन, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरी तरफ चलें कि अगर कोई गैस डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए ठोस में, तो साथियों इसे कहते हैं निक्षेपण, साथियों इसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको समझ में आ रही है तो ये निक्षेपण क्या होता है अब ये भी आपको पता चल गया होगा। साथियों जैसा मैंने आपसे कहा, ऊर्ध्वपातन में ऊर्जा देने, मतलब इस प्रोसेस में यदि ऊपर की तरफ आप कहीं भी जा रहे हैं तो यहां पर ऊर्जा आपको देनी पड़ी है, और साथियों इस प्रोसेस में अगर आप नीचे आएंगे तो याद रखना ऊपर से नीचे आने में ऊर्जा निकलेगी ही मेरे प्यारे साथियों, ऊर्जा निकलने पर ही ये प्रोसेस कंप्लीट होंगे। तो ऊर्जा निकलने को मैं डाउनवर्ड एरो से आप लोगों के सामने समझा दे रहा हूं, तो मेरे साथियों को ये समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। अब ये साहब इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। साथियों जब कणों की व्यवस्था की बात की जाती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाती है, तो सर्वाधिक व्यवस्थित पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर, यानी ठोस पदार्थ के अंदर। सर इसका क्या मतलब है? साथियों जो सॉलिड पदार्थ हैं, सॉलिड पदार्थ जो हम लोगों को दिख रहे हैं इमूवेबल हैं, यानी कि जिस बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं ये सॉलिड है। साथियों ये सॉलिड है और ये इसी अवस्था में आपके सामने उपस्थित है, क्योंकि यहां पर जिन चीजों से ये मिलके बना हुआ है वो अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए अगर ये लिक्विड होता तो क्या होता? लिक्विड होता तो क्या होता? मैं साहब इधर से पेन दबाता वो बह के उधर चला जाता, और साहब अगर ये हवा में होता तो क्या मैं उस पर लिख पाता? तो कहने का अर्थ ये है कि सॉलिड में ही कण सर्वाधिक व्यवस्थित अवस्था में होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों का जो आंसर है वो है सॉलिड। अच्छा साथियों इसी आधार पर पदार्थ को, यानी सॉलिड पदार्थों को व्यवस्था के आधार पर ही क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में बांटा जाता है। भविष्य में मैं उसे भी कवर करूंगा, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं इसे भी आने वाले क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं। और अगर हम बात करें तो साथियों अगर मैं सॉलिड को दिखाऊं तो सॉलिड कुछ इस प्रकार से अपने अंदर उपस्थित एटम्स को एक के साथ एक क्रमागत रूप से व्यवस्थित रखता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो मान लीजिएगा अभी तो हमने सॉलिड को यहां भर के रखा हुआ था, और इस सॉलिड को यहां से लिया और मैं एक ऐसी बोतल ले आया जिसमें मुझे इसे ट्रांसफर करना है। लेट से मैंने एक बोतल बनाई जिसमें मुझे ये ट्रांसफर करना है, कौन? ये सॉलिड पदार्थ। तो साथियों ये यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड के जो कण हैं ये एक दूसरे से एकदम ठस्सम ठस्सी बैठे हुए हैं। अच्छा अगर मैंने लिक्विड की बात करी होती तो क्या होता? लिक्विड यहां से यहां तक बहुत इजीली शिफ्ट हो जाता। सर अगर हम गैस की बात करते तो क्या होता? साथियों गैस की बात आप यहां करते ये जरूरी है ही नहीं कि गैस इतनी ही दूरी तक फैली रहती, उसे तो जितना स्पेस दिखता है वो इस बीकर से ऊपर ऑलरेडी ही जा चुकी होती, यानी कि वो तो विसरण का नियम स्वतः ही फॉलो करती है, जितना उसे अवस्था या स्पेस मिलती है वो उतना की उतना कवर कर लेती है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ की तुलना में द्रव जल पर जल, फिर से बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका कारण क्या है? साथियों आपको ये सवाल समझना है, और इस सवाल को समझने में एक चीज का विश्वास करिएगा कि ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया सवाल है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझाऊंगा। एक बार मैं सवाल समझाता हूँ। सवाल है, द रीजन वाई लिक्विड वाटर इज मोर डेंस देन आइस। अब ये बात सुनते ही थोड़ा सा हमें सरप्राइज होता है, क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमने ये सीखा हुआ था कि सॉलिड जो होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं और लिक्विड जो होते हैं वो लेस डेंस होते हैं, ऐसा ही हमने सीखा है शुरुआत से, क्योंकि हमको डेंसिटी में बताया ही ये गया है कि जिनका आयतन कम है, आयतन कम है तो स्वाभाविक है कि उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अभी हाल तो पता चला हमें कि सॉलिड से लिक्विड बनता है, ऑब्वियस है कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और वॉल्यूम बढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी अगर अपन बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी रिलेटिवली कम हो जानी चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो एक बात मेंशन कर देनी चाहिए, आप अपनी तरफ से जिसे मेंशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अब ज्यादा करेक्ट हो जाएगा अगर मैं यहां लिख दूं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
चार डिग्री तापक्रम पर ऐसा होता है, क्या होता है? तो चलिए एक एक करके चीजें समझते हैं। देखो हुआ क्या ना साथियों, जब हम बर्फ बनाने की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं, देखिए अगर हम द्रव अवस्था में पानी की बात करें दैट इज H2O की बात करें, या ठोस अवस्था में H2O की बात करें, एक बार तीनों चीजें मैं लिख देता हूं आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और तीसरी अवस्था में हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं यानी कि जल वाष्प की बात कर रहे हैं, इन तीनों ही अवस्था में अगर आप देखें तो सभी जगह पर कॉमन क्या है? H2O कॉमन है। देखिए दोबारा से, ये तीनों ही पानी हैं, यानी कि इन तीनों की अगर हम बात करें हैं तो ये तीनों पानी, इन पानी में एक बार ठोस है, एक बार द्रव है, एक बार जल वाष्प है। तो बोले सर इससे क्या बताना चाहते हैं आप, तो चलिए क्या बताना चाहते हैं वो समझिए। साथियों परमाणुओं का एक निश्चित विन्यास होता है जिससे कि अणु निर्माण होता है, तो साथियों उस व्यवस्था के तहत H2O कुछ ऐसा रहता है जो मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है। और साथियों एक जो व्यवहारिक आंसर आपको पता हो जाना चाहिए और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस एक लाइन में मैं आपसे इतना कहूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो बस ऐसे समझ लेना कि कोई भी हाइड्रोजन जब अपने पड़ोस में फ्लोरीन को देख ले, या फिर ऑक्सीजन को देख ले, या फिर नाइट्रोजन को देख ले, इन तीनों को मिला के कहते हैं मित्र फोन। अरे अपन फोन जिसका इस्तेमाल करते हैं ना, वो समझिएगा, अगर कोई भी हाइड्रोजन अपने पड़ोस में फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देख ले तो वो खुद जिसके साथ लगी है उससे बेवफाई दिखाना शुरू कर देती है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि वो जिनके साथ लगी है उनके साथ बेवफाई दिखाना शुरू कर देती है। इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब ये है साथियों कि अगर यहाँ पर पड़ोस में कोई और H2O लगा होता तो साहब ये इसके साथ बेगानी हो जाती और पड़ोसी की तरफ अपने नैन मटक्के करना शुरू कर देती, ये लीजिए कर दिए साहब। इसी प्रकार से बोले सर इनकी भी स्थिति समझा दो, बोले साहब इनकी भी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, बोले मतलब ये है मित्रों कि ये वाली भी इधर नैन मटक्के कर रही है, बोले सर इससे क्या हुआ, देख लीजिएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो साहब ऐसी स्थिति तो बहुत जगह बनने वाली है, H2O तो सब जगह ही ऐसे दिखाई देगा, और जहां जहां दिखाई देगा तो साथियों एक बार के लिए अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि जहां जहां H2O दिखाई दिया तो वो एक तरीके से अपने आप को ऐसा बंद किया हुआ पाता है। अगर मैं इस स्थिति को और ढंग से समझाऊं तो समझिएगा मित्रों, इस ऑक्सीजन को भी कहीं से कोई हाइड्रोजन मिल रही होगी, ऐसे ही इस ऑक्सीजन को यहां से कोई हाइड्रोजन मिल रही होगी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के नजदीक वाले स्थानों से आकर्षण फील कर रहे होंगे, जिसे हम हाइड्रोजन बंद कहते हैं। तो बोले सर इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मित्रों जब हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो साथियों ये हाइड्रोजन बंद प्रबल होते हैं। पॉइंट नंबर वन, जब हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन बंध प्रबल होते हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले वाली स्लाइड पर आपको बताया है कि यदि ठोस से द्रव में जाना है, देखिए इधर अगर आपको ठोस से द्रव में जाना है, मेरा सवाल देख लीजिएगा इधर मैंने कर रखा है, ठोस से द्रव में जाना है तो आपको टेम्परेचर, देखिए इधर से इधर जाना है तो आपको टेम्परेचर देना होता है, तो अर्थात आपको यहां से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं इस सवाल के अंदर बात कर रहा हूं तो ठोस से द्रव में जाने के लिए मुझे यहां पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना होगा, यानी कि ठोस जैसे ही द्रव में जाएगा मुझे टेम्परेचर देना होगा, और जब टेम्परेचर देना होगा साथियों तो ये बंध टूट जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बंध सबसे कमजोर बंधों में शामिल होते हैं, यानी कि इनसे कमजोर केवल केमिस्ट्री में एक ही बंध है जिसका नाम वंडरवाल बंध है, अदरवाइज साथियों ये बंध गर्म करने से टूट जाते हैं। तो बोले सर इस स्टोरी का क्रक्स क्या निकला, एक लाइन में समझ जाइएगा, जब ठोस की बात करते हैं तो साथियों हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसी केज जैसी संरचना बन गई, जाल जैसी संरचना बन गई कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आके फंस गए। इस जाल जैसी अवस्था ने ज्यादा आयतन घेर लिया, और ज्यादा आयतन घेर लिया तो हमने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, इसका मतलब था आयतन अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यही कारण है कि ठोस अवस्था में डेंसिटी कम होती है। यह केवल कहां लागू हो रहा है, पानी के केस में। और अगर मेरे प्यारे साथियों
मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो मैंने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ थी, इसको मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो साथियों ये बंध टूटने लगे, और टूटने लगे तो H2O के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आने लगे, तो स्वाभाविक है कि V की वैल्यू कम होने लगी, और V की वैल्यू कम होने लगी तो डेंसिटी बढ़ने लगी। साथियों यही तो सवाल आपसे पूछा गया है, पूछा गया है बर्फ की तुलना में जल अधिक सघन होता है, इसका क्या कारण है? तो मैंने आपको अभी हाल बता दिया, इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन याद रखिएगा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उचित लाइन है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फिर से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जो अभी कंसेप्ट सीखा है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक बार फटाफट इस सेशन को लाइक करिए, और इसी नाते कि हाँ भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो चलिए 2-4 लोगों को शेयर और कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने पर प्राप्त होती है। यही तो सवाल है जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था साथियों, इसे कहते हैं प्लाज्मा, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मैंने कहा था शुरुआत में ही आपको, पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक्चुअली क्या है कि यहां पर ये चारों ऑप्शन फिर से लिख दिए गए, एक बार के लिए ये टाइपिंग एरर हो सकती है, आप केवल इतना समझिएगा साथियों, ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होती है साथियों, क्या होता है ना कि अगर किसी भी पदार्थ को बहुत कम तापक्रम पर ठंडा किया जाए, तो असल में यहां क्या हुआ, थोड़ा सा इतिहास सुनते हैं इसका साथियों। बात है वर्ष 1921 की, भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने कहा कि देखो सर, आपने है ना गैस को गर्म करके प्लाज्मा बनाया, लेकिन उल्टा चलिए ना कि गैस को ठंडा कर दिया जाए। बोले कितना ठंडा कर दिया जाए? बोले -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक मिनट के लिए साथियों, तो साथियों अब आपको समझना क्या है कि इसमें क्या कहा गया बोस आइंस्टीन के बारे में। सत्येंद्रनाथ बोस ने वर्ष 1921 में कहा कि ऐसा है कि जब आप गर्म करके प्लाज्मा अवस्था बना सकते हैं, तो क्यों ना उल्टा चलें। बोले क्या करें? बोले ठंडा कर दो। बोले क्यों? बोले थोड़ी देर पहले आपने बताया था ना कि पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो वो फैलने लगता है। बोले हाँ। बोले ठोस को गर्म किया तो द्रव बना, थोड़ी जगह ज्यादा फैल गई। द्रव को गर्म किया तो गैस बनी, थोड़ी ज्यादा जगह फैल गई। और गर्म किया तो प्लाज्मा बना। बोले उल्टा चलो अब। बोले क्या करें? बोले ठोस से भी ज्यादा ठंडा करते चले जाओ। बोले किसको? बोले गैस को डायरेक्ट ठंडा करो और बहुत ज्यादा ठंडा कर दो। बोले कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दो। बोले ऐसी स्थिति में क्या होगा? बोले ऐसी स्थिति में यह होगा ना कि जो परमाणु अलग अलग घूम रहे थे वो सब एक साथ संयुक्त हो जाएंगे और कोई अलग परमाणु बचेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि सारे परमाणु एक हो गए। ये बात उस समय तो मित्रों कल्पना थी, जिस कल्पना को उसी समय पर आइंस्टीन ने कहा कि यह संभव है, अभी तकनीकी नहीं है। ऐसी स्थिति में आइंस्टीन ने अपने साथ इसे समर्थन देते हुए इसे तभी घोषित कर दिया था कि कभी भविष्य में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम की अवस्था का इजाद किया जाएगा अगर यह संभव हुआ कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ को इकट्ठा किया जाए। साथियों ये बात सार्थक भी हुई, और कब सार्थक हुई वो मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, इसके लिए वर्ष था सन 2001 का। अगर मैं एकदम एक्यूरेट आपको बताऊं तो साथियों वर्ष था 2001 का, जिस समय तीन वैज्ञानिक थे मित्रों, उन तीन वैज्ञानिकों ने एक साथ खोज की और बताया कि पदार्थ की एक अवस्था -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर संभव है। और उन तीन वैज्ञानिकों के नाम थे कार्नेल, कैटरले और वीमन। कार्नेल, कैटरले और वीमन, इन तीन लोगों ने वर्ष 2001 में पदार्थ की ये वाली पांचवी अवस्था खोज दी, जिसकी वजह से इन्हें वर्ष 2001 का फिजिक्स का नोबल पुरस्कार मिला। साथियों ये ध्यान रखना, ये शुरुआत तो कब से की गई थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, उसके बाद ये अवस्था जो है ये डिक्लेयर हो गई वर्ष 2001 में, और पदार्थ की इसी अवस्था से पूरी दुनिया मतलब रूबरू हुई और सबको इसके बारे में पता चला। आप लोग अगर कुछ भी अच्छा सीख रहे हैं तो इसी नाते लोगों को इसे शेयर करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। साथियों बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन इसको हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं, कई बार कंफ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए मैं इस सवाल को लेके आ गया। साथियों कोई भी पिंड किसी द्रव मतलब कोई भी पिंड या फिर जैसे मान लीजिएगा
कि द्रव के ऊपर जहाज भी तैर रहा है या कोई भी तत्व अगर कोई भी तैर रहा है किसी के ऊपर, तो ये केवल डेंसिटी की वजह से होता है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उतना ही ज्यादा तैरेगा। तो आप लोगों का यहाँ पे केवल एक ही आंसर है, और वो क्या है कि पिंड और द्रव के घनत्वों में अंतर होने पर, अगर डेंसिटी में अंतर होगा तो डेंसिटी जिसकी कम होगी वो ज्यादा डेंसिटी वाले पर तैरेगा। साथियों, एक लेख है, उस लेख का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस लेख में आदमी डूबता नहीं है। आप आंसर दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स उसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो साथियों, ये तो मैंने अब आपको बहुत अच्छे से पहले ही समझा दिया पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में, कि आप किसी भी पदार्थ को एनर्जी दीजिए, एनर्जी देने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि गर्मी दीजिए, उसको अवशोषित करिएगा और वितरित करिएगा बाय एब्जॉर्बिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग थर्मल एनर्जी, कोई भी पदार्थ दूसरी जगह पर कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है मेरे साथियों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अब बोले सर ये यौगिक, यौगिक क्या होता है? आपके सामने लिखा हुआ है कंपाउंड। बोले सर कंपाउंड और फिर एक वर्ड मिक्सचर, आइए देखते हैं एक बार ऑप्शन। साथियों, जब हम बात करते हैं वायु की यानी एयर की, तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। वायु बोले कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और क्या है, O2 भी है, नियॉन भी है, ऑर्गन भी है, हीलियम भी है, H2O वेपर फॉर्म में भी है, यानी कि वायु के अंदर तो बहुत सारे तत्व विद्यमान है। तो सवाल बना कि क्या सर ये यौगिक है? तो पहले हम जान लेते हैं कि यौगिक होते क्या हैं। साथियों, एक सरल भाषा में समझ लीजिएगा, यौगिक वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक रूप से अगर अलग अलग कर दिया जाए, यानी जिससे वो मिलके बने हैं अगर उन्हें अलग कर दिया जाए, तो उस यौगिक की पहचान ही खत्म हो जाती है। जबकि मिश्रण वो हैं जिनमें अगर उनके कंट्रीब्यूशन देने वाले चीजों को, जो उनके संगठन करता है, उन्हें अगर अलग कर दिया जाए तो पदार्थ की पहचान समाप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं वायु की बात करता हूं, तो यहां कौन है, O2 है, CO2 है, अमोनिया है, जो भी गैसियस फॉर्म में है, ओजोन है। अगर मैं इस मिश्रण में से किसी को भी बाहर निकाल लूं, बाहर निकालने से मतलब O2 को बाहर निकाल लिया, तो O2 की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और बाकियों की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन तो अपने आप में ही मॉलिक्यूल है, यानी कि यहां कुछ मिश्रण बना ही नहीं। लेकिन अमोनिया की अगर मैं बात करूं साथियों, तो अमोनिया में अगर किसी ने कहा कि सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कर दो, तो जैसे ही मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग करूंगा, अमोनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए N2+3H2 मिलकर के, 3H2 और N2 मिलकर के साथियों बनते हैं 2NH3। अगर मैंने इनको उल्टा कर दिया तो अमोनिया खत्म हो जाएगी, अमोनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और साथियों, मरकरी के बारे में आप जानते ही हैं, Hg लिक्विड मेटल कहते हैं जिसे आप। तो साथियों, आपको अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि रासायनिक यौगिक कौन है। तो इसके बारे में एक लाइन ये है कि जिनको अगर सेपरेट कर दिया जाए और उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, O2 को अगर आप सेपरेट कर देंगे तो वो ऑक्सीजन ही कहलाएगा, लेकिन अमोनिया में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कहला कर देंगे तो फिर वो अमोनिया नहीं कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका आंसर बना अमोनिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं। और साथियों, मेरा सुबह मॉर्निंग में एक स्लॉट आता है 7:00 वाईफाई स्टडी 2.0 पर, जिसमें मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं। आप वहां पर भी पहुंचे, स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर कैसा पढ़ना चाहिए हम उसे भी डिटेल में देखेंगे। चलिए, आपकी रात्रि शुभ हो, इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।